पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को आयोजित पत्र परिषद के दौरान कृषि कानून पर बड़ा बयान दिया। बावनकुले ने कहा कि कृषि कानून केंद्र सरकार रद्द नहीं करेगी। देश में चल रहे किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पक्ष इसका फायदा उठाकर राजनीति कर रही है। जब कोई फीडबैक सरकार को होगा, उस फीडबैक के आधार पे, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट होता है, कोई स्टेटमेंट हो, कोई फीडबैक पे आधार पे हुआ होगा, कहाँ से हुआ होगा। बट आज के कॉन्फ्रेंस में मेरा कहना इतना ही है कि जो किसान वहाँ पे वो कन्फ्यूज किए गए हैं, उनको अभी ये मालूम नहीं है कि इस कायदे से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। देश के तुम चारों ओर देखिए, कौन से स्टेट में आंदोलन हो रहा है, क्यों वही हो रहा है, क्यों वहाँ पर कौन सी संस्था के लोग वहाँ आंदोलन करने के लिए उकसा रहे, जिसका किसानों के साथ कमीशन बंधा हुआ है, उन लोगों ने किया हुआ आंदोलन है। महाराष्ट्र बताइए, महाराष्ट्र में केवल कृषि उत्पन्न बाजार समिति कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी के हाथ में करके वो जानबूझ के बंद करके, दरवाजा बंद करके बाहर बैठे हुए किसान है। वहाँ जाके देखिए, उमरेड में आज कलमना बाजार समिति में जाके देखिए कोई किसान आया हुआ है। आज जाके देखिए मिर्ची में क्या भाव मिला, महुदा में डायरेक्ट व्यापारी को बेच रहे हैं। देखिए, ये पूरे देश में कोई भी स्टेट में, एक दो स्टेट छोड़ के, हरियाणा का कुछ पार्ट और पंजाब का पार्ट, पूरे देश में इस कायदे को किसानों का समर्थन है। आप, मैंने आपको हातला का उदाहरण बताया, नरखेड़ में आप जाके देखिए, हातला में उस किसान की संवाद करिए, उसको अभी चेन्नई के मार्केट में क्या रेट मिला, अभी लेटेस्ट आज की बात बता रहा हूँ मैं आपका वो धीरज जुनगरे नाम बता रहा हूँ, गांव हातला बता रहा हूँ। जब मैं स्टडी करके आया तभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आया। तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को किसानों को उकसाया जा रहा है और किसान पहली बार मजबूत होने जा रहे हैं देश के इस कायदे के माध्यम से।